भाई अब जिसके लिए इतनी मेहनत की है उसका इंतजार है। Without water, and the sun so brown. Oh my God! Thank you. We cried over borders. Assalamu alaikum, bhai. कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज भाई एक बड़ा खुफिया मिशन जो है वो हमने करना है, और वो मिशन ये है कि मैंने भेजना है फराह और बच्चों को उसके घर पे। अब ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि फराह साथ जाती नहीं है। मैं अगर उसको बोलूँ कि भाई तुम जाओ वहाँ पे तो इसको शक हो जाएगा। अब चक्कर क्या चल रहा है कि हमारी है एनिवर्सरी, आ रही है हमारी एनिवर्सरी आज रात 12 बजे। मेरा प्लान ये है कि हम केक वगैरह काटेंगे, तो मैंने फराह को बता दिया हम केक काटेंगे, लेकिन मैंने इसके अलावा फराह को कुछ भी नहीं बताया है। मैंने प्लान कुछ भाई इस तरह किया हुआ है कि जो हमारी बैल्कनी है वहाँ पे मैं थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कुछ करूँगा, कुछ थोड़ा माहौल शॉल बनाएंगे केक वगैरह काटने का। अब मैंने कभी 7 सालों में, माशाल्लाह मेरी 7th एनिवर्सरी आ रही है, मैंने कभी 7 सालों में भाई ऐसी कोई चीज़ की नहीं है। सरप्राइज़ वाला एलिमेंट मैंने कभी इस तरह रखा नहीं, पहली दफ़ा सरप्राइज देने लगा। तो बड़ा मुश्किल काम है फराह को उसे घर पर भेजना। मैंने उसको बोला था कि आज तुम अपने घर पे चली जाओ। अच्छा, बहाना मैंने इसको घर भेजने का ये बनाया है कि भाई देखो बच्चे वगैरह घर पे होते हैं, मुझे ब्लॉग एडिट करना है, मुझे काम करने होते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे मुझे इतना ऑक्यूपाइड करके रखते हैं, तो तुम ज़रा घर चले जाओ अपने, तब तक मैं अपने ये सारे काम वाम कर लूँ, फिर मैं तुम्हें रात में पिक कर लूँगा। तो ये मैंने भी बहाना किया है फराह को। थोड़ा सा उसको शक हुआ, लेकिन फिर मैंने उसको साथ में ये भी बोला कि भाई अगर तुम्हें नहीं जाना तो माई मर्जी, तुम ना जाओ। मैं थोड़ा सा ही बता दूँ आपको, मैंने दरवाज़ा कमरे का इस वक्त बंद किया हुआ है और मैं बात कर रहा हूँ। पर आई थी, मैंने वापस बाहर भेज दिया। भाई सीन ये था कि मैंने कल कुछ चीज़ें लेके रखी हुई थी जो डेकोरेशन वगैरह के लिए मुझे चीज़ें चाहिए, उसमें से मैंने 2-3 चीज़ें लेके रखी थी। आज मैंने मज़ीद जाकर कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं। तो सबसे पहले करना ये है कि अभी शाम को फराह को भेजते हैं, रवाना करते हैं। उसके बाद जनाब, उसके बाद मैंने जाके बाहर से कुछ चीज़ें और जो मुझे लेनी है वो लेनी है, केक लेना है, सब कुछ करना है। आज बहुत सारे काम हैं, तो बस जल्दी से लोगों को रवाना करते हैं शाम में, उसके बाद फिर अपने काम को शुरू करते हैं। चली गई है भाई बच्चों के साथ, और अब हमारा काम शुरू होता है।
ये भाई जो बैकड्रॉप है वो मैंने बनाया है, और अभी मैं फेरी लाइट्स यहाँ पे हैंग करूँगा, उसके बाद इनको जला के देखेंगे। अभी भाई मेरा प्लान ये है कि मैं हीलियम के कुछ बलून्स लेकर आता हूँ और मैंने उन बलून्स को यहाँ पे छोड़ देना है। केक काटेंगे तो यहाँ पे एक टेबल आ जाएगी, इस पर केक वगैरह आ जाएगा, और अगर मुझे कुछ और ऐसी कोई चीज़ मिल गई यहाँ रखने की, कुछ करने की, तो वो भी देख लेता हूँ। तो अभी मैंने करना ये, मैंने जल्दी से यहाँ से निकलना है, मैंने बलून्स लेकर आना है, केक भी लेना है भाई, और इसके अलावा मुझे जैसे जैसे चीज़ें याद आती जाएंगी भाई मैं ले लूँगा। ये भाई बैनर आ गया, कैंडल आ गई, बलून्स हैं। इसका साइज क्या होता है बलून का? 8 इंच होता है। ऐसे कोई रेफरेंस के तौर पे बता सकता है? थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा हो यहाँ तो बहुत, ये तो बहुत छोटा है। इसमें बलून फुलाने में कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। मैं जब तक बुके देख लूँ बराबर। ये भाई बुके हो गया है, ये हमारे हो गए भाई बलून्स, और ये हमारा बुक हो गया है, बाकी हमने सामान सारा ले लिया है। भाई मुझे सिर्फ इतना थोड़ा सा इसमें फरमा दें कि शॉप आपकी कहाँ पर है? हमारी शॉप गुलिस्तान है, जोर चुरंगी शॉप, पार्टी इनके नाम से शॉप है, जोर चुरंगी शॉप नंबर 1 के नाम। ठीक है। और टाइमिंग भी बता दें, सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। सही, इतवार को बंद होती है? नहीं सर, खुली हुई इतवार को। बस सही है, अभी तो टाइम भी ऐसा चल रहा है, हम तो खैर शादीशुदा, हम तो खैर एनिवर्सरी के लिए ले रहे हैं, लेकिन और किसी मकसद के लिए भाई चीज़ें वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारा मकसद यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे टेबल आएगी जिसका मैंने बताया है, यहाँ पे बलून्स आ जाएंगे। पहले मेरा प्लान ये था मैं बलून्स यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा, और बाकी फेरी लाइट्स लग चुकी हैं, केक आ चुका है, और क्या रहता है, पार्टी पॉपर्स भी मिले हैं भाई, और ये रहा मेरा बुके। बस अभी इसको फाइनल करते हैं क्योंकि ये लोग भी बस आने वाले होंगे, और पता ये चला है कि जो मेरे लोग हैं भाई वो लोग आ रहे हैं, बकौल फरा के भाई के नाइट स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि लेट नाइट रुकेंगे और चले जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि फराज समझ ही होगी कि शायद मैंने कुछ उसके घर वालों के साथ मिलकर प्लान किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि वो आ जाएं, तो बस जल्दी से इसको फाइनलाइज करता हूँ ताकि मैं आराम से बैठ जाऊँ। भाई फरा लोग निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, अभी मैसेज आए मेरे पास, बस जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं सारी चीज़ों को। जी भाई, तो बड़ी ही मेहनत के बाद और छुप छुपा के भाई ये मैंने एक छोटा सा सेटअप कर दिया है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, और ये तो मैंने खैर अभी आप लोगों को दिखाने के लिए केक निकाल के रख दिया, अभी मैं इसको वापस रखता हूँ फ्रिज में, बाकी बलून्स इस तरह कहीं आ जाएंगे आसपास, और ये बुके इस तरह आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है भाई ये मेन मेरा बैकड्रॉप है, और ये हैप्पी एनिवर्सरी यहाँ पर आ गया है। बस भाई अब जिसके लिए इतनी मेहनत की है उसका इंतज़ार है, तो बस जैसे ही लोग आते हैं तो फिर मैं वीडियो बनानी शुरू कर दूँगा, फिर रिएक्शन देखते हैं फरा का।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ भाई। कैसा है? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू। कैसी आंटी? कहीं ना कहीं दिमाग में था। हाँ ये तो मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया था, लेकिन हमने कहा कि इसको भेजो, उसके बाद से कुछ करेंगे। ये जो वाइट शीट है ना, ये मैंने कल खरीदी थी और मैंने फेरी लाइट कल खरीदी थी। मैं अभी गया हूँ और मैंने अभी जाके ये बलून्स लिए हैं और मैंने बुके लिया है और ये हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर और मैं केक लेकर आया हूँ। पहली दफ़ा ऐसा किया है, 7 साल में पहली दफ़ा ऐसा किया है। पता नहीं, इस एनिवर्सरी पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ये होता है सरप्राइज़ के, मतलब इसने बाकी में, मतलब ये इसको यही है कि 7 साल में कभी आपने किया नहीं, तो ये सरप्राइज़ तो हो ही है ना भाई, मतलब सरप्राइज़ दिया है मैंने। अभी 15 मिनट है भाई, 15 मिनट देते हैं। Such a wonderful deal.